तो गाइस अब जा रहे हैं हम म्यूजियम में, कहाँ डाल रहे आदमी मनोज भाई, जो फांसी देते थे यहाँ से, फांसी जा देते थे ना लोगों। अच्छा, पुराने जमाने में जो राजा महाराजा, राजा बन गया अभी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं नगर में और यहाँ बताएंगे हम आपको जो जिसको हम देखने आए थे, मनोज भाई बताएंगे इसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं। मनोज भाई तो क्या बताने जा रहे हैं आज आप? एंट्री फीस 50। एंट्री फ्री है लोकल का। अच्छा, ऐसे लेते तीन एंट्री। अच्छा, ऐसा है, लोकल के लिए फ्री हो गया। ये फायदा होता ना लोकल होने का, जान भी है थोड़ा सा। नहीं, लोकल होने का फायदा होता ना ये भाई, यहाँ पर इतने मूवी शूट हुए ना कुछ। अच्छा, इसमें कैमरा कमरा अलाउड है? नगर कैस्टल बोलते हैं, मधुमक्खी हम गए थे ना वशिष्ठ, बात मधुमक्खी ने बहुत बड़ा वो पत्थर लेके आया, खुद मधुमक्खी ने इतनी शक्ति थी वो पॉट यहाँ आए पॉट बोलते। नहीं नहीं, खुद लेके आई थी। तो अभी दिखाने वाले जगह पूछो मत, इतने मंदिर देवी देवता आते हैं यहाँ पर, मंदिर है, होटल भी है। और ये कैसल के अंदर है ना, गवर्नमेंट के अंदर गए, टूरिज्म के अंदर। हाँ, ये मंदिर आप अभी जाएंगे। कौन से देवते का मंदिर है? जगती पॉट बोलते हैं। कौन से? जगती पॉट, देखो पर लिखो मंदिर, देखो जगती पॉट मंदिर, जगती पॉट मंदिर। इस पत्थर के वो पत्थर कहाँ है? इसके अंदर, इस वाले मंदिर में। यहाँ से व्यू मिलेगा आपको पूरा मनाली का। वाओ गाइस, कितना ही सुंदर। मिश्रा जी का जो मेरे सामने हुआ था, जब भी मेड मूवी हुआ था ना वो यहाँ पर हुआ था। बहुत सारे मूवी है जो कि नगर कैसल में शूट होता है, यहाँ पर बहुत सारे मूवी है। हाँ, तभी तो इतना फेमस है, और देख सकते हैं आप टूरिस्ट बहुत सारे आए ना। वो कहाँ गया वो मधुमक्खी का? वो अंदर आ जाओ, यहाँ पे तो चलते हैं उसको देखते हैं गाइस क्या है ये चीज़। मनाली में नगर आना मत भूलो। हाँ, मैं अभी पहली फर्स्ट टाइम आया इधर, नगर तो आया ना बट इस वाले प्लेस में पहली फर्स्ट टाइम आया। हिरन, हिरन के ओरिजिनल हिरन की खापड़ी है। तो ये वो पत्थर है, देखने को मिलेगा, नहीं तो मिल जाएगा, बंद रहता है, है? नहीं, दरवाजा बंद रहता है। हम बहुत लकी है, पुजारी है, मिला पुजारी जी भी यहीं है। तो ले चलते अंदर। हाँ, हम वेट करेंगे ना। तो अभी पुजारी जी थोड़े से बिजी है, तो इनसे हम बातचीत करेंगे और ये बताएंगे यहाँ के बारे में। तो फिलहाल यहाँ टीका वगैरह लगा लेते हम लोग। तो ये वो पत्थर है, इस पत्थर के बारे में हम जानेंगे थोड़ी देर बाद पुजारी जी से। ये देख सकते हैं आप, और ये है जगत पट मंदिर। यहाँ इस मंदिर के बारे में बताई गई हिस्ट्री बताई गई है। तो हम जानेंगे पुजारी जी से और यहाँ का व्यू आपको बताऊंगा मैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत मंदिर। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, और काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट लोग आए हैं यहाँ। जगतपट मंदिर के पुजारी, पुजारी नमस्कार। नमस्कार जी। तो इस मंदिर के बारे में आप कुछ बताइए। जी, मैं प्रिंस शर्मा दिक्यारी इस मंदिर का पुजारी भगवान की सेवा में काम कर रहा हूँ। तो जो ये आप शिला दिख रहे हैं जिन पे पुष्प चढ़ाए गए हैं, ये जो है जगतीपट भगवान है। संसार के 33 करोड़ समस्त देवी देवताओं ने अपना रूप मधुमक्खियों में बदल के इस शिला को प्राचीन काल में मनाली के समीप नेहरू कुंड के साथ में भृगुतुंग पहाड़ी नामक पहाड़ी, भृगु ऋषि ने जिस पहाड़ी पर तपस्या की थी उस पहाड़ी से यहाँ ले आए हैं प्राचीन काल में। तो आज के समय में जो है इन्हीं की मान्यता है, तो इन्हीं की पूजा होती है। मंदिर का निर्माण फिर बाद में किया गया जब भगवान यहाँ सिद्ध हो गए। तो
ये जो शिला है इसको मधुमक्खियों ने लाया? हाँ जी, देवी देवताओं ने लाया, लेकिन मतलब रूप उन्होंने मधुमक्खियों का लिया ना जी। ये पहाड़ी से लाना था, अगर वो इंसान के रूप में जाते तो पहाड़ी के ऊपर चढ़ना मुश्किल था, तो मधुमक्खियाँ उड़ के जा सकती थी। वैसे भी हमारे हिमाचल में हिंदू धर्म में जो मधुमक्खियाँ हैं उन्हें जो है योगिनी का रूप माना जाता है, माता का रूप है वो, तो देवी देवताओं ने उनका रूप लेके लाया था। तो इस चीज़ के लिए मंदिर प्रसिद्ध है आपके यहाँ? जी, हमारे कुल्लू में डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जो भी अगर कोई आपदा ऐसी बहुत बड़ी आपदा आ जाती है जिसका समाधान कि गांव के दूसरे देवी देवता नहीं कर पाते, तो फिर उसका समाधान यहां पे होता है सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में। सभी देवी देवता यहां उपस्थित होते हैं, तो फिर उसके बाद में मतलब एक्चुअली में ये जो है मतलब जैसे हमारे कोर्ट में जज होते हैं वैसे ही ये मतलब देवी और देवताओं के जज है। तो मतलब आज के टाइम में जैसे आपके COVID-19 आया उसमें यहाँ में और फिर मनाली में डूंगरी माता हडिम्बा के वहाँ, तो इनके वहाँ जाके जगती रखी गई, तो फिर मतलब देवी देवताओं ने कहा कि मैं आप यहाँ पे जो है लोगों पे कोई नुकसान नहीं होने दूंगी जिससे कि मतलब कि जान माल नुकसान ना हो। तो नीचे के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने रक्षा की, एक प्रकार से देखा जाए अगर कोई पॉजिटिव पाया भी गया तो वो बच गया दवाई के साथ, लेकिन नीचे में तो फिर आप देख ही रहे कि ना नुकसान हो पाया। तो गाइस अब जा रहे हैं म्यूजियम में, कहाँ डाल रहे आप मनोज भाई? वो जो फांसी देते थे यहाँ से, फांसी जा देते थे ना लोगों। अच्छा, पुराने जमाने में जो राजा महाराजा पर यहाँ से दिखेगा नहीं ना तो। अच्छा, जो फांसी के वाला जगह था ये भाई जी, फांसी जो फांसी देते थे पहले पहले राजा बोला आगे। हाँ भाई, हाँ क्योंकि यहाँ अभी बंद करके रखा ना इस पॉइंट को, फांसी दे देते अंदर को। तो ये तो अब चलते अंदर। वाओ, है। और ये देखो पुराना म्यूजियम, ये पुराने जमाने के ढोल नगाड़े, ढोल नगाड़े नहीं नहीं यहीं से। और ये है, मैं भी सोचा पहले ये आदमी बैठे बारे ना कहना इनका अपने कल्चर है जो लोकल कल्चर है यहाँ का, कैसे आपको पता है जो भी है इंस्ट्रूमेंटल वगैरह जो, ये तो पुराने जमाने के बहुत सारे ये देख सकते हैं आप। ये घड़ा हो गया, ये जैसे इसको बोलते आटा आटा गूंदने के लिए ना, पुराने ज़माने में था लकड़ी का ये वो वाला है। और उसके बाद ये क्या चीज़, ये क्या चीज़, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं, ये क्या है। और ये देख सकते हो आप सामने सीढ़ी बहुत पुरानी, और इसमें ना पुराने ज़माने का बक्सा देखो ये वाला, हाँ ये वाला बक्सा है, और ये वाला ना इसमें भी दरवाजा है, दरवाजा है, दरवाजा है, ये दरवाजा है और लोकल दरवाजा। चलिए तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे भी जो ये ना पत्थर है जो स्टैचू वगैरह है ये मेरे सामने निकाला गया था, ये अपने यहाँ से आधा किलोमीटर 500 मीटर आगे नगर कैसल से बामन कोठी बोलते हैं जहाँ पर पंडितों का गाँव है, वहाँ पर नीचे मिट्टी से मेरे सामने निकाला था। अच्छा, मिट्टी से निकले थे। जब लोग पहले नाचते थे गाते थे ना उनको पता नहीं लगता सुबह हो जाता था, तो फिर स्टैचू बन गए जैसे पत्थर बन गए, इसके बारे में ये मुझे पता है कि मैं बोल सकता इसके बारे में। तो फिर बहुत सारे ऐसे पत्थर है वहाँ पर, ये सारे अभी लेटेस्ट निकले हुए हैं। हाँ जी, लेटेस्ट निकले हुए आज से 6-7 साल पहले मेरे सामने निकले थे पत्थर। ये तो जमीन खुदा पड़े ये निकले पत्थर नीचे, ऐसे बहुत सारे पत्थर है वहाँ, क्योंकि वहाँ कोई पहले बोलते कि दिन में लोग ना जैसे राजा हुए सोते नहीं थे ना, तो नाचते नाचते वो बिजी हो जाते, सुबह हो जाते तो वो पत्थर बन गए थे। ये स्टोरी है इसका। अच्छा, इन पत्थरों की तो वाह, व्हाट बहुत अमेजिंग स्टोरी है इनकी। और इसके बाद आगे क्या देखने को यहाँ? आगे हम देखेंगे थोड़ा सा व्यू फ्रॉम पूरा वैली का, यहाँ जो भी नगर वैली है जो नगर कैसल है कुल्लू और मनाली के बीच में है, तो यहाँ पर जो भी मूवी शूट हुआ था उस पॉइंट पे जाएंगे। हाँ, चलते वहाँ, चलते जहाँ मूवी शूट हुई, तो अब मिलते हैं आपको वहाँ जहाँ मूवी शूट हुई थी। तो हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो यहाँ आए थे हमारे सामने, तो हम लोग नीचे जाके उनके भाषण सुनते थे ग्राउंड में, इस पहले ग्राउंड यहाँ से कम से कम 2000 आदमी हम लोग यहाँ थे उनके भाषण सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। अटल जी भी, अटल जी, हाँ जी, अटल जी। और यहाँ से जो व्यू है यहाँ पर
दिल्ली का। हाँ, इधर से पूरा व्यू मिलेगा आपको देखने को। देखिए, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। लकड़ी देखो कितने साल पुराना है। ये तो बहुत देखो, पत्थर देखो, उस टाइम के पत्थर है। आज ये कितना 100 साल पुराना है। दो सौ साल इतना तो पुराना है ये। और यहाँ से जो व्यू मिलता है ना गाइस, क्या ही खूबसूरत व्यू मिलता है आपको। अरे, टूरिज्म के अंदर में है तो ये रूम्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल रहता है। बस ये देखिए, सुपर डिलक्स रूम में भी बहुत जो आप लोग यहाँ स्टे के लिए आओ, अगर आप फील यू फील लाइक राजा किंग राजा का ही महल है ये राजा का ही महल है ये जो वहाँ पहले राजा ने महल बना के रखा था। जो यहाँ से वो नीचे एक पत्थर है यहाँ पर, और ये थोड़ा सा फ्लावरिंग हो चुका है ना घास, उसके अंदर है, वाइट पत्थर है। तो जो गलत करता था ना, उसको वहाँ ले जाके उसको काटते थे कि ब्लड रेड होता था ना उस पत्थर में, वाइट पत्थर में रेड। तो सोचता कि राजा, हाँ, उसका मर्डर किया, मार दिया उसको जैसे। अच्छा। इसलिए वो राजा यहाँ से देखता था वहाँ। वाह, यहाँ पे ये जो बगीचा है थोड़ा हरियाली ना दिखाई हो गया, नहीं तो बहुत बड़ा पत्थर सफेद ना, यहाँ से देखता था। तो निकलता